बच्चे कितनी है? हेलो दोस्तों, स्वागत है मेनू ब्लॉग पे। मैं उपेंद्र कुमार स्वामी। अब हम जा रहे हैं मार्केट सामान लाने के लिए और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से। तिरंगा रैली है, भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण है, बस स्टैंड के ऊपर वहाँ जाएंगे, इसलिए हम जल्दी से सामान लेके आ रहे हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं जो है सावा में पादरा तिराया है, उसके ऊपर भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण हुआ है, उस कार्यक्रम में जा रहे हैं और आगे दिखाते हैं आपको कैसे कैसे क्या क्या रहता है। अजय सिंह जी राजी सही को रामकर खेरवा के दिखाया गोपाल गांधी खेरवा की उपस्थिति में और किताबों में जो ज्ञान है वो और कहीं नहीं है। हमें अधिक से अधिक किताबें पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए इसके लिए मैं यह कहानी आपको बता रहा हूँ। शहीद आजम भगत सिंह को जब जेल की सजा हो रही थी तो जेल के अंदर भी बैठे बैठे किताबें पढ़ते थे और जिस दिन इनको फांसी होने वाली थी उस दिन भी वो एक किताब पढ़ रहे थे और किताब पढ़ रहे थे। उसी समय वहां का जेलर आया और बोला कि भगत सिंह तेरे को फांसी होने वाली है, तो भगत सिंह ने उसी समय उस किताब का पेज पलट दिया और वो हंसते हंसते उनके साथ चल पड़े। तो जेलर ने उनसे एक बात पूछी कि भगत सिंह तेरे को तो फांसी होने वाली है, तेरे किताब का पन्ना क्यों पलटा है? तो उन्होंने एक बात कही कि ये आगे की किताब मेरे देश का युवा पढ़ेगा।
देखिए दोस्तों दुखी आ रहे सो गाइस जब आ चुके हैं अब घर पर और हम घर पर आए तो मौसी और दीदी सही बना रहे थे, फिर मौसी ने मुझे लगा दिया यहाँ पर। रेतो मत दो।